हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसपी एजुकेशन। आज वीडियो रे आम दशम श्रेणी भूगोल पढ़ा। भूगोल प्रथम अध्याय हूँ संबल। तो संबल टोटाल तीन टा चैप्टर अच्छे, अध्याय गोटे कि चैप्टर तीन टा, से भितर चैप्टर वन हूँ संबल और तार विकास। आउ दुटा अच्छी, गोटे भू संबल आ गए मृत्तिका संबल। तो से दुटा निजे पढ़ाई चेस्टा करूँ, कहीं आप जो एफए वन एक्जाम अच्छे ना, से तीन टा चैप्टर पढ़ो। केवल आम चैप्टर वन नुह संबल तार विकास नुह, सहित से दुटा पढ़ो, तेणु से दुटा पढ़ु। ठीक अच्छे, सो आज वीडियो रे आम फुल चैप्टर पढ़ा, मैंने जो चैप्टर देखुचना यहाँ पूरा कम्प्लीट करवा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किसी प्रैक्टिस करवा, एवं आपर चैप्टर मैं रिविजन होद्वारा कि जो तीन टा एग्जाम पाठ आसव एफ वन हो कि टर्म वन टर्म टू, सबूपाई आज वीडियो आपको बहुत बहुत हेल्पफुल जाऊँ। जदि वीडियो को आरंभ शेष पर्यटन देखुं कम्प्लीटली, तेल चैप्टर जहाँ भी क्वेश्चन आसव सबकि आप इजिली एटेंड करके आसपारे। ठीक अच्छे, तो चलतु आउ डेरी नक स्टार्ट करवा। देख संबल, संबल जब गोटे वार्ड्रे सिंगल वार्ड्रे कह तो सी हूँ संपत्ति, मान एम किसी जिनस जी आम व्यवहार लगुच्छे ता सहित जार कि मूल्य अच्छे से हूँ संबल है। तो कौन चलतु स्टार्ट करवा। देख मनुष्य गोटे एमतिका सामाजिक प्राणी जी कि प्रति मुहूर्त चेष्टा करपर मोर जीवन जापन शैली अधिक उन्नत करें। मनुष्य कौन कर प्रकृति में जहाँ भी पदार्थ मिलूँ से व्यवहार कर ताको परोक्ष भाव रो कि प्रत्यक्ष भाव रो ताको व्यवहार करमती। देख मुझे एग्जाम्पल देवी, जल जल गोटे एमती जिनस जहाँ मनुष्य सीधा सड़क व्यवहार करें ना ना येस, कि लुहा पथर को मनुष्य सीधा सड़क व्यवहार करूनी, कौन कर विभिन्न प्रक्रिया मध्यम रूपातरण कर शेष किसी जिनस या जमी लुहार आम सब जान बाहन हो कि घर कबाट हो कारखाना विभिन्न जंत्रपाति सब कौन हो लुहा पथर को रूपातरण करके जो जिनसा मनुष्य व्यवहार कर तो मैंने आम प्रकृति में जहाँ भी किसी पदार्थ मिलू मनुष्य किसी पदार्थ को सीधा सड़क व्यवहार कर तो आउ किसी पदार्थ को विभिन्न प्रक्रिया मध्यम रूपांतरित करवहार कर जहाँ भी किसी पदार्थ कहली ना ये सब हूँ संबल है। सबू जाक संबल कहीं सबूक मनुष्य व्यवहार आसूची तेणु मनुष्य व्यवहार करा ना करता कि ना तेणु मनुष्य जहाँ भी किसी व्यवहार आसमें जार कि मूल्य अच्छी से हूँ संबल। आपण बुक्रे गोटे बहुत बड़ संज्ञा अच्छे संबल है, से बॉक्स देखिबो आमर प्रथम पेज रोड संज्ञार माने संबल रोड संज्ञा अच्छे ताकू इजिली बुझौची मन रख है कौन कौच पूरा शुणी शुणी चल। मनुष्यर व्यक्तिगत तथा सामाजिक आवश्यक पूर्ण करिवारे उपयोगी और मूल्यवान विवेचित होता प्राकृतिक पदार्थ जहाँकि प्रादोगिक दृष्टिकोण सुगम्य अर्थनैतिक दृष्टिकोण संभव और सांस्कृतिक दृष्टिकोण ग्रहणजोग्य से हूँ संबल। पूरा एग्जाम्पल द्वारा बुझौची है, एग्जाम्पल बुझे मैंने पूरा डेफिनेशन मन रही आ कि असुविधा हो। देख मुझे कौन जे पेट्रोल है पेट्रोल बा पेट्रोलियम नि कि तुम जो गैस नि जो सिलिंडर गैस जहाँ भी नौ है तो आम कौन कौन पेट्रोल को आम गाड़ी में पकाचे तो मैंने से आम व्यक्तिगत काम आसना पेट्रोल आम समाज में विभिन्न प्रकार लोक ग्रहण कम लगे तो सी आम सामाजिक काम लगे सी आम कि व्यवहार आसमें तार उपयोगी अच्छे तार कि मूल्य अच्छे तेणु कौन कर कौन मगणार तो कान दूसरी कि ना किसी टाँग दे कि आम पेट्रोल एवं प्रादोगिक दृष्टिकोण सुगम्य अर्थ कौन प्रादोगिक मान टेक्नोलोजी आम टेक्नोलोजी द्वारा पेट्रोल या बाहर करपर मु कौन कही अर्थनैतिक दृष्टिकोण संभव मानने बेस टाँग लगुनी मानने जी आम खर्च करगुनी पेट्रोल या तेणु मानते पेट्रोल या जी टाँग लगुच से अधिक इनकम भी कर कि आमको जो प्रकार से कम लगुच पेट्रोल आम से टाँग देखिए कि आम से अर्थ अच्छी जदि पेट्रोल लिटर टी लक्ष दिन टाँग होता है आम कि पार्थ कि ना तो संबल कह ना तेनाली अर्थनैतिक दृष्टिकोण संभव होगा पड़े मानते निर्दिष्ट टाँग सारिकमें व्यवहार करपर नंबर थ्री मुझे कौन कहली सांस्कृतिक दृष्टिकोण ग्रहणजोग्य मानने आम संस्कृति से जिनसक ग्रहण करता पड़ो पेट्रोल को आम संस्कृति ग्रहण करुच्छे जदि गोटे मंदिर तले तुम खबर पाल गोटे मंदिर तले किसी कोईला अच्छे बाकी सुना अच्छे तुम संस्कृति कौन तक ग्रहण कर मंदिर को हटे कि सुना बाहर करना तो से सुना को आम संबल कहानी है संस्कृति ग्रहण कर संबल है बुझ ल। तो देख ये संबल व पदार्थ गुड़िक संबल आख्या दूसरी किए मनुष्य केमती दूसरी बुझ ना ये पदार्थ गुड़िक प्रकृति में जिते बड़ मैंने जिते बड़े सी अव्यवहृत अवस्था थी ताको जिते बड़े मनुष्य व्यवहार कर नौ तो सी के संबल हेनी बा प्राकृतिक परेशर अव्यवहृत हो कि तार कि मूल्य न थे पदार्थ आम के
संबल कहानी ताको संबल केते बेले कहबा से पदार्थर किछि मूल्य थिबो बा से हमर किछि व्यवहार उपयोगी हे परथबो ताले से होछि संबल हला तने प्राकृतिक परिवेश रे अव्यवहृत अवस्था थिबा पदार्थ कमे केबे भी संबल कहबानी ताको जेतेले मनुष्य व्यवहार लगिबो ता किछि मूल्य दबो ताहाले से होबो संबल हले जो देश ए जो गच्छित संबल को जेते विकसित करि पारछि बा जेते व्यवहार करि पारछि से देश अधिक विकासशील होबो जेमिति आम भारत कथा कहवा भारत में बहुत संबल अच्छे भारत प्राकृतिक संबल बहुत अच्छे किंतु भारत से संबल को व्यवहार कर ठीक परिमाण में भारत से टेक्नोलॉजी यूज कर पारे तेणु भारत आज विकास उन्मुखी देश अच्छे भारत विकसित हो पारे कि अमेरिका कथ ऑस्ट्रेलिया से सब कौन विकसित देश मानते संबल को देश था नौ बाहर आने विभिन्न प्रक्रिया मध्यम यूज कर पार्टी से तेणु से अधिक विकसित तेणु गोटे देश केत अधिक विकसित हो पार जितेबले से संबल को सठिक परिमाण में व्यवहार करते अधिक विकसित हो तो सठिक परिमाण व्यवहार अर्थात कौन संबल को बाहर कला मानते पदार्थ बाहर कला से रूपातरण कर विभिन्न प्रक्रिया मात्र रूपातरण करवहार कर जो रूपातरण कथ आसबे जो रूपातरण बोली शब्द कहली से रूपातरण कौन ता सर हो कि ना से विभिन्न कारक निर्भर कै चार्टा कारक कौन कौन बुझ जो मानते जो पदार्थ गुड़क आम रूपातरण करवहार कर चार्टा कारक पर निर्भर कर कौन कौन चार्टा कारक गोटे हूँ परिवेश प्रकृति है फास्ट हूँ कौन प्रकृति दुई हूँ मनुष्य तीन हूँ प्राद्योग कौन प्राद्योग चार हूँ अनुष्ठान चार अनुष्ठान कौन अर्थ बुझ मु कौन कहली जो पदार्थ को विभिन्न प्रक्रिया में रूपातरण करी संबल रूप से व्यवहार कर चार्टा कारक पर निर्भर कर कौन कौन चार्टा गोटे हूँ परिवेश प्रकृति दुई मनुष्य तीन प्रद्योग चार अनुष्ठान केमती देख ना प्रकृति रु मनुष्य तार सन्धान कर पदार्थर पुणी प्राद्योग अर्थ हूँ कौन टेक्नोलोजी विभिन्न जंत्रपाति गुड़िक से जंत्रपाति द्वारा मनुष्य प्रथम प्रकृति सन्धान कर देव पुणी प्राद्योग द्वारा से कौन कर बाहर कर उत्तोलन कर पुणी अनुष्ठान जीव अनुष्ठान कौन कर रूपातरण करी विभिन्न पदार्थ या अनुष्ठान मान कौन जो कारखाना गुड़िक जो शिल्प गुड़िक अनुष्ठान है तो बुझ प्रकृति रु मनुष्य द्वारा सन्धान कर प्राद्योग द्वारा उत्तोलन बाहर कराव पुणी अनुष्ठान रूपातरण कर तो रूपातरण प्रक्रिया चार्टा पर निर्भर कर प्रकृति ना था पदार्थ आसता कौटू ना मनुष्य ना था तार सन्धान किए बाहर किए सन्धान न था सन्धान किए करता था ना किए ना था जो प्राद्योग न था सब जंत्रपाति किसी न था बाहर केमती था ना अनुष्ठान न था कौटे रूपातरण होता था ना तो चर्चा उपरे डिपेंड करा बुझिपाल समस्ते एवं शेष में जो रूपातरण किसी बाहर को आसो से व्यवहार उपयोगी हो पारा आम संबल बोली कह संबल जिते मैंने जिते बड़े पदार्थर प्रकृति मिलूँ से संबल नुह जो प्रकृति से पदार्थ मिलूँ से आम संबल कहानी आम समस्ते कौच कि संबल हूँ प्रकृति मुक्तदान प्रकृति कौन संबल को जन्म कर अठाली संबल बोली कहीकि छाड़ दूसरी ना मनुष्य तार सन्धान करुच्ची रूपातरण करी संबल में परिणत कर व्यवहार करुच्ची मूल्य दूसरी से संबल हो बुझिपारे जा संबल हो तेणु मनुष्य चार्टा जिनस मनुष्य पुणी थे चार्टा एवं कौन कहली रूपातरण चार्टा कारक निर्भर कर मनुष्य निजे मैं चार्टा जिनस कौन कौन चार्टा जिनस ना मनुष्य हूँ संबल स्रष्टा मानते मनुष्य संबल सृष्टि करुच्ची दुई नंबर कौन मनुष्य संबल को बंटन करा सी सृष्टि को विभिन्न जगह बंटन करन नंबर कौन मनुष्य संबल को उपभोग करवहार कर चार नंबर कौन मनुष्य ही संबल को नष्ट कर क्षय कर मनुष्य चार चार्टा कम कर मानते संबल सृष्टि कर बंटन करभोग कर सहित संबल को क्षय कर तेनाली मनुष्य हूँ गोटे गुरुत्वपूर्ण संबल कहीं संबल को आखे दे किए मनुष्य मनुष्य बिना संबल संबल है कि नुह से गोटे जस्ट खाली गोटे पदार्थ हो तो मनुष्य जेहतु चार्टा कम कर तेणु मनुष्य हूँ गोटे गुरुत्वपूर्ण संबल एवं जहाँ कहुए मानव संबल तेणु जो देश मानव संबल जिते विकसित से देश अधिक अधिक विकसित हो कहीं मनुष्य जब अधिक भल भल ज्ञान अच्छी है कि से देश जनसंख्या कम अच्छी प्राकृतिक परिवेश अधिक संबल अच्छी से संबल कौन देख कम लोक संख्या संबल अधिक अच्छे समस्त को सफिसीयंट मिल कहीं समस्त सफिसीयंट परिमाण संबल मिल पार एवं से लोक मान ज्ञान जब अधिक भल अच्छी से कौन करेंगे सठिक रूप से व्यवहार करेंगे से संबल को ताल जा कौन हम से संबल से संबल सठिक प्रमाण व्यवहार हो पार और से देश अधिक विकसित हो पार बुझिपाल तो पूरा बेसिक आईडिया सर संबल विषय एवं देखिए संबल विशेषत संबल पुणी चार्टा विशेषत अच्छी है
संबल पुणी चारिटा विशेषत्व अच्छी कौन कौन ना नंबर वन हूँ उपयोगिता चार्ट बक्स जो मैंने लाइव देखु चार्ट कर चल फास्ट हूँ कौन उपयोगिता लेख समस्ते दुई नंबर हूँ कार्यदक्षता तीन नंबर हूँ सुलभता चार नंबर हूँ परिवर्तनशीलता लिखि चल समस्ते मन रही देख पुण थे मुझे कहूँ फर्स्ट हूँ उपयोगिता नंबर टू कार्यदक्षता नंबर थ्री सुलभता नंबर फोर परिवर्तनशीलता यह चार्टा हूँ संबल विशेषत मुझ सब जगह एक्सप्लेन कर बुझेबी फर्स्ट कल उपयोगिता उपयोगिता मानते कौन संबल मनुष्यर व्यवहार उपयोगी होगा उचित है उपयोगिता मानते कौन संबल मनुष्यर व्यवहार उपयोगी होगा उचित नंबर टू कौन कहते कार्यदक्षता मानने संबल मनुष्यर आवश्यक पूरण करने सक्षम होता पड़ो कार्यदक्षता दक्षता मानते कौन सक्षम से पार्टी ना मानते मनुष्य जहाँ भी आवश्यक अच्छी से आवश्यक को सी पूरण करने सक्षम होगा पड़ो सी कार्यदक्षता नंबर थ्री कौन सुलभता मानते संबल सर्वत्र सुलभ होता पड़ो सब मिले कि मैं भी सुलभता मान तार सुलभ परिमाण में संबल जमी मिल पार है कि नंबर फोर कौन कहली परिवर्तनशीलता मानने जिते दरकार हम आम विज्ञान उपाय वैज्ञानिक पद्धति द्वारा संबल को पर मानने कर पड़ो ए चार्टा जो हूँ सी हूँ संबल सी हूँ प्रकृत संबल बुझल संबल कौन चार्टा विषय मुझे कहली उपयोगिता कार्यदक्षता सुलभता एवं परिवर्तनशीलता उपयोगिता मुझे कौन कहली से संबल मनुष्य व्यवहार उपयोगी होगा पड़ो नंबर टू कार्यदक्षता मानने मनुष्य आवश्यक पूरण करने से सक्षम होगा पड़ो सुलभता मानने से संबल सुलभ परिमाण में मिलता पड़ो नंबर फोर हूँ परिवर्तनशीलता मानने वैज्ञानिक उपाय मध्यम संबल परिवर्तन होगा पड़ो है ए चार्टा हूँ संबल विशेषत सरला तापर देखा संबल प्रकार मानने संबल केत प्रकार कौन कौन तार एग्जाम्पल सहित बुझा देख प्रकृति उत्पत्ति व्यवहार विकास स्तर भरण परिमाण मालिकाना ये सब भित्तिक संबल भिन्न भिन्न प्रकार तेनाली क्वेश्चन आस संबल केत प्रकार कौन कौन ले किसी उत्तर मिले चुप रही है सीटी कौन कह सार कौ अनुसार मुझे संबल को भाग करी देख करंट पड़े मुझे ट्राए मैंने चेक करम क्लीयर दूसरी कि ना गोटे मिनट हाँ सब ठीक ठाक अच्छे तो चल आम कंटिन्यू करवा करंट पड़ेगा सो सरी देख मु कौन कहली जदि किए क्वेश्चन कर संबल केत प्रकार तब से उल्टा प्रश्न पचार मैंने कौ अनुसार मुझे कहबी कि संबल केत प्रकार प्रकृति अनुसार कहबी ना उत्पत्ति अनुसार ना व्यवहार अनुसार ना परिमाण अनुसार ना भरण अनुसार ना विकास अनुसार कौ अनुसार कहबी एम पचार तो देख प्रथम देखिए प्रकृति अनुसार संबल तीन प्रकार कौन कौन गोटे प्राकृतिक संबल नंबर टू सांस्कृतिक संबल नंबर थ्री मानव संबल ए प्रकार कौन मैं प्रकृति अनुसार तीन प्रकार संबल अच्छे गोटे गोटे बुझा चलो अभी प्राकृतिक संबल मानने कौन जोटा कि प्रकृति सीधा सड़क मिलूँ प्रकृति जो संबल सीधा सड़क मिलूँ मनुष्य प्रत्यक्ष क्या परोक्ष भाव में काम लगे सी हूँ प्राकृतिक संबल मानने से संबल जो प्रकृति में डायरेक्टली पाँचतापर मनुष्य केमी व्यवहार करूँ सीधा सड़क व्यवहार करूँ कि रूपातरण करूँ कौन कह प्राकृतिक संबल जमी प्राकृतिक उदाहरण कौन देपरि भूमि जल वायु सौरशक्ति सब कौन गोटे गोटे प्राकृतिक संबल कहीं सीधा सड़क मनुष्य बा सीधा सड़क से मनुष्य काम आसपारे किए मनुष्य विभिन्न प्रक्रिय रूपातरण करना तो किए है ना प्राकृतिक संबल किए ना जोटा कि सीधा सड़क मनुष्य किसी ना किसी कम आसूगा प्रकृति जो आमको जो डायरेक्टली मिलूँ से हूँ प्राकृतिक संबल उदाहरण कहे वायु हम जल हम मूर्ति हम है आउ कौन पार विभिन्न खनिज पदार्थ गुड़ हो पार सौरशक्ति पार ये सब आम प्राकृतिक संबल दुई सांस्कृतिक संबल सांस्कृतिक संबल मानते कौन विभिन्न अनुष्ठान गुड़िक मैंने जहाद्वारा आम कौन कर प्राकृतिक संबल को रूपातरण कर हाला रूपातरण कर विभिन्न कार्य लगे से जीवन सांस्कृतिक संबल मान कौन कहपरि जो मनुष्य निजर ज्ञान दक्षता को प्रयोग कर से प्राकृतिक संबल को रूपातरण कर विभिन्न कार्य व्यवहार कर सी हूँ आम सांस्कृतिक संबल है तो कौन हो पार विभिन्न अनुष्ठान गुड़िक मानते सांस्कृतिक अनुष्ठान हो कि राजनैतिक अनुष्ठान हो वाणिज्य शिक्षा गमनागमन स्वास्थ्य यह सब कौन जीव सांस्कृतिक संबल तीन है मानव संबल मानव संबल माने कौन मनुष्य निजे गोटे मानव संबल कहीं प्राकृतिक संबल और सांस्कृतिक संबल मिलते रही से संबल को संबल राखी जाए से संबल सृष्टि करुच्चे तेणु मनुष्य गोटे गुरुत्वपूर्ण संबल है तेना मानव संबल मैंने कौन जो गुणवत्ता जहाँ भी देना से भितर मानव संबल मैंने एक्जामपल पड़े मानव निज हो मानव संबल है देख उत्पत्ति अनुसार उत्पत्ति अनुसार संबल पुणी दुई प्रकार कौन कौन गोटे जैव संबल आ गए अजैव संबल ना जापार जैव मैंने कौन जार जीवन अच्छी मानते सजीव सब जगह सजीव संबल यार अंतर्गत जीवे जैव संबल अजय मान कौन सब जगह जार जीवन ना मानते जी सब निजीव ना से संबल को आम कह अजैव संबल ठीक अच्छे जैव संबल एक्जामपल कौन पार कह ग्राणी मनुष्य पशु
ତାପରେ ଆପଣ ଏପରି ଅଣୁଜୀବ ଏସବୁ ଯିବେ ଜୈବ ସମ୍ବଳରେ। ଅଜୈବରେ କିଏ ଯିବେ? ମୃତ୍ତିକା ଯିବ, ବାୟୁ, ଜଳ, ତାର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏସବୁ ଅଜୈବ ସମ୍ବଳରେ ଯିବେ। ହେଲା, ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ କି ଉତ୍ପତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ବଳ କେତେ ପ୍ରକାର, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ଆସିବ, ତ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ହେଲା, କିମ୍ବା ଉତ୍ପତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ବଳ କେତେ ଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି, କ'ଣ କ'ଣ? ତ ଉତ୍ପତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ବଳ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଜୈବ ସମ୍ବଳ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ। ହେଲା, ଏମିତିକା ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ବ୍ୟବହାର ଓ ସୁଲଭତା ଅନୁସାରେ। ବ୍ୟବହାର ଓ ସୁଲଭତା ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳ ପୁଣି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅସରନ୍ତିବା ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ବଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ସରନ୍ତିବା କ'ଣ କେବେ ସରନ୍ତିବା ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ବା କ୍ଷୟଶୀଳ, ତିନିଟା ତାର ନାଁ ଅଛି। ହେଲା, ବୁଝ, ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ କହୁଛି, ବ୍ୟବହାର ଓ ସୁଲଭତା ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳ ପୁଣି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିକି ସମ୍ବଳ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। ଗୋଟେ ଅସରନ୍ତି ବା ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ବଳ, ଅସରନ୍ତି ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଯେ ଯେଉଁଟା ବ୍ୟବହାର କଲେ ବି ସରିବନି ବା ଯେଉଁଟା କ୍ଷୟ ହେବନି, ସେ ହେଉଛି ଅସରନ୍ତି ବା ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ବଳ। ଆଉ ସରନ୍ତି ସୀମିତ କ୍ଷୟଶୀଳ କ'ଣ? ସେ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ବ୍ୟବହାର କଲେ ସରିଯିବ, ସେ ହେଉଛି ସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ ବା ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ବା କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ବଳ। ତ ଅସରନ୍ତିର ଉଦାହରଣ କ'ଣ ହେଇପାରିବ କହିଲେ? ମୋତେ କିଏ ସରିବନି? ବାୟୁ, ସୌରଶକ୍ତି, ଏମାନେ ଆମେ କେତେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସରିବ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ। ସରନ୍ତି ସୀମିତ କ୍ଷୟଶୀଳ କିଏ ହେବ? କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍, ହେଲା, ବା ଭିନ୍ନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ସେସବୁ ଯିବ ସରନ୍ତି ବା କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ବଳ ଯିବ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ପରିମାଣ, ମାନେ ହେଲା କି କାହାର ପରିମାଣକୁ ଆମେ ପୂରଣ କରିପାରିବା ଏବଂ କାହା କିଏ ଏତିକି ପରିମାଣ ଅଛି ଯେମିତିକି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମେ ପୂରଣ କରିପାରିବାନି, ସେ ହେଉଛି ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଗୋଟେ ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ଆଉ ଗୋଟେ ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ। ହେଲା, ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ମନେ ରଖ, ଗୋଟେ ଅପୂରଣୀୟ ଆଉ ଗୋଟେ ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ। ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ଯିବ କହିଲ? ଯେଉଁ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ସେ ସରିଯିବ, ତାକୁ ପୁଣି ପୂରଣ କରିପାରିବାନି, ସେ ହେବ ଅପୂରଣୀୟ, ନାଁରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ କ'ଣ ଏମିତି ହେଇପାରିବ କହିଲ? କହିଲା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍, ସେମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇଯିବ, ଯିଏକି ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେ ସରିଯିବ, ଆଉ ତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବାନି। ଆଉ ପୂରଣୀୟ ମାନେ କ'ଣ? ଜଣେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ପୁଣିଥରେ ଆମେ ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା, ସେ ହେଉଛି କ'ଣ? ପୁରୁଣ ସମ୍ବଳ, ବା ବିଲକୁଲ ବି ସରିବନି ଯିଏ। ସୌରଶକ୍ତି ତା'ର ଉଦାହରଣ ହେଇପାରିବ, ହେଲା, ଜଳ ହେଇପାରିବ ତା ଉଦାହରଣ, ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ପୁରୁଣ ସମ୍ବଳ ଉଦାହରଣ? ଆଉ କ'ଣ? ବାୟୁ ହେଇପାରିବ ତା ଉଦାହରଣ। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଭରଣ ଅନୁସାରେ। ଭରଣ ଅନୁସାରେ କ'ଣ? ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ, ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ। ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ସମ୍ବଳକୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ସତ୍ତ୍ୱେ ସିଏ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରେ ନାହିଁ, ପୁଣିଥରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ, ସିଏ ହେବ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ଯେମିତି କୃଷିଜାତ ପଦାର୍ଥ, ତାପରେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କିମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲଜାତ ପଦାର୍ଥ, ସେଠି ଦେଖ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ପୁଣିଥରେ ଭରଣା କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କରିପାରିବା ନା ନାହିଁ? ଯଦି ଆମ ଦ୍ୱାରା ସେ ପୁଣିଥରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ, ତାହେଲେ ସିଏ ହେବ କ'ଣ? ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ, ଜଙ୍ଗଲଜାତ ପଦାର୍ଥ, କୃଷିଜାତ ପଦାର୍ଥ। ଆଉ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସରିଯିବ, ଆଉ ତାକୁ ପୁଣିଥରେ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ନାହିଁ, ସେଇଯିବ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ପୁଣି ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଗ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଅଯୋଗ୍ୟ। ନା ମନେ ରଖ, ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି? ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଗ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ଏମିତିକା ସମ୍ବଳ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତାକୁ ପୁଣିଥରେ ପୁନଃଚକ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମ୍ବଳ ସରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେବାନି, ତାକୁ ପୁନଃଚକ୍ରଣ କରିକି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ସିଏ ହେବ କ'ଣ? ପୁନଃଚକ୍ରଣ ଯୋଗ୍ୟ। ହେଲା, ପୁନଃଚକ୍ରଣ ଯୋଗ୍ୟ, ଯେମିତିକି ଲୁହା ହେଉ କିମ୍ବା ଆଲୁମିନିୟମ୍, ତମ୍ବା, ଏସବୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି ପୁଣି? ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ କବାଡ଼ିବାଲା ଦେଉଛନ୍ତି। କବାଡ଼ିବାଲାରେ କ'ଣ ହେବ? ସରି, କବାଡ଼ିବାଲା ତାକୁ ନେବ, ପୁଣି ସେ କାରଖାନା ଦେବ, ତାକୁ ପୁଣିଥରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରପାତିରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ବି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆମ କାମ ଲାଗିଲା। ସେ ଲୁହାଟା ହେଉଛି ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ, କାହିଁକିନା ଲୁହାଟା ଆମେ ପୁଣିଥରେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବାନି, ଆମ ହାତରେ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତଥାପି ସେ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା କାଟାଗୋରି କହିଲି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଗ୍ୟ, ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଅଯୋଗ୍ୟ। ଲୁହା କେଉଁଥିରେ ରହିବ? ଲୁହା ରହିବ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଗ୍ୟରେ, କାହିଁକି ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ ବି ତାକୁ ପୁଣିଥରେ ଆମେ ପୁନଃଚକ୍ରୀକରଣ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ସେ ହେଉଛି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଗ୍ୟ। ଆଉ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଅଯୋଗ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ କହିଲ? ନା କୋଇଲା, କୋଇଲା ତୁମେ ଜଳଉଛ, ବ୍ୟବହାର କରିଦେଲ, ଆଉ ତାକୁ ତୁମେ କୋଇଲା ପୁଣି କରିପାରିବ କି ନାହିଁ? କୋଇଲା ହେବ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ହେବ, ସବୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଅଯୋଗ୍ୟରେ ଗଲା। ହେଲା, ତାପରେ ଆସିଲା ବିକାଶ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ। ବିକାଶ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଚାରି ଭାଗରେ, କ'ଣ କ'ଣ ଚାରି ଭାଗରେ? ଗୋଟେ ଗଚ୍ଛିତ ବା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ, ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର, ବିକଶିତ, ସଂରକ୍ଷିତ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଥିରୁ ନା ତୁମର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାରେ ଅଧିକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରିବ। ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାରେ ଆସୁଛି, ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବ, କହିବାଟା କେଉଁ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ହେଲା, ସେଠି ତୁମେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଗଚ୍ଛିତ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ ମାନେ କ'ଣ? ଏଇଟା ଆସିବ ଗଚ୍ଛିତ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ, ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା ନା। ଗଚ୍ଛିତ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରକୃତିର ଗନ୍ତା ଘରେ ସେ ଅବ୍ୟବହୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତା'ର ପରିଣାମ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମାନେ କେତେ ପରିମାଣର ଅଛି ସେ ଆମେ ସେଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି।
प्रकृतिर गंतागत लुचि अच्छे अव्यवहृत अवस्था अच्छी है मनुष्य किसी विकास करमें लगे पारे मनुष्य जमीक उदाहरण कह गुजरात राजस्थान पवन शक्ति सरस्वती देख गुजरात राजस्थान बहुत पुराने पवन शक्ति अच्छी बहुत सरस्वती अच्छी कि मनुष्य तार विकास कर किसी कम लगे कि समुद्र तले बहुत बहुत पुराने खनिज पदार्थ अच्छी तार सन्धान करनी मनुष्य जाच अच्छी बोली जाकि चेक करनी परिमाण मनुष्य जाननी कि कम लगे तेनाली कौन हो गचित बा प्रच्छन्न संबल है से गचित आकार अच्छे से मैंने अव्यवहित आकार से अच्छे दुई है संबल भंडार संबल भंडार मान कौन मनुष्य आवश्यक से पूरण करमिका संबल जे मनुष्य आवश्यक पूरण कर संबल अच्छी किंतु मनुष्य तार केमती व्यवहार कर मनुष्य पाखे ज्ञान ना है से मनुष्य आवश्यक पूरण कर किंतु से पदार्थ को मनुष्य किपर व्यवहार करमती का ज्ञान मनुष्य पाखे ना तेणु से ही संबल कौन संबल भंडार अंतर्गत है विकसित संबल विकसित मान कौन विकसित विकास हो जाए संबल मैंने जार सन्धान पाई व्यवहार लगे मनुष्य सी हो विकसित संबल जहाँ कि मूर्तिका हो आमर लुहा पथर विभिन्न प्रकार जिन या मनुष्य कारखाना हो सब जगह कौते जीव आम विकसित संबल पड़े आमर लुहार कौन विभिन्न जंत्रपाति तैयारी कर सबकि मानते मनुष्य जो जाणी अनुसंधान कर व्यवहार कर विकसित संबल संरक्षित संबल मान कौन जोटा कि आम प्रकृति में स्टोर होम दरकार ना तेनाली व्यवहार करना है संरक्षित मैंने भाव कि हाँ से स्टोर होम को फ्यूचर में से कम आसव एवं कौन दरकार आम दरकार क्या ना जमी मुझे जल विद्युत शक्ति जल विद्युत शक्ति बाहर आम जानू जो आम तापज विद्युत शक्ति हो कि बाकी जहाँ भी जो पवन शक्ति सरस्वती सब आमको नियंट बढ़ला है आम कौन कर जल विद्युत शक्ति बाहर करें संरक्षित संबल मान कौन से प्रकृति में अच्छी आम व्यवहार कर पार मानने करूँ आम जानू आम ज्ञान कौशल सब अच्छी कि व्यवहार करूँ है आम जो बर्तमान जो संबल व्यवहार करना तार सी रिप्लेस भी कर तो संरक्षित संबल मान कौन प्रकृति अच्छी सी है प्रकृति में अच्छी सी एवं सी भविष्य में आम कम आसव मनुष्य मैं कम लगे पार सी हूँ संरक्षित संबल है सब जगह डिफेन्स बुझे जमी संरक्षित संबल उदाहरण कर दिली जल विद्युत शक्ति तापर आसा आमर मालिकाना अनुसार मालिकाना अनुसार के तीन भाग में व्यक्तिगत गोष्ठीगत आ जातीय संबल व्यक्तिगत संबल मान कौन मनुष्य निजर तुम निजर किसी संबल अच्छे सी हूँ व्यक्तिगत तुम्हें कौन कल दुकान गल टा दुटा नहीं चॉकलेट किण कि खाता बही जहाँ भी किण तो सी हूँ तुम व्यक्तिगत संबल सी है सी तुम व्यक्तिगत संबल सेमती आम कह बड़ लोक विषय कह तो घर हूँ कि जमी है चाष जमी हो सब कौन जो गाड़ी एसब कौन गोटे गोटे व्यक्तिगत संबल है आसला गोष्ठीगत गोष्ठीगत मान कौन पूरा गोटे निर्दिष्ट गोष्ठी मानते केवल जन कथ नुह गोटे गोष्ठी आकार में गोटे ग्रुप आकार में है गोटे गाँ गाँ भर हो पार तो से जो गोटे कमन जिनमें समस्त व्यवहार करेंगे मानक कि जड़े कह मोर गाली से कहीपरि से संबल को आम कह गोष्ठीगत संबल जमी गाँव रमशान शमशान कौन समस्त पोड़ा जाठी शमशान है गाँव पुष्करणी है गाँव नदी है सब कौन गोटे गोटे गोष्ठीगत संबल तापर आसा जितिय संबल ए सरी आउट अच्छे मुझे छाड़ी भूल जाइए जितियों पर आउट हो अंतर्जात संबल है आउट हूँ कौन अंतर्जात संबल अंतर्जात मोर टे भूल बाला कौन लिखे अंतर्जात संबल देखा टोटल चार भाग अच्छे व्यक्तिगत गोष्ठीगत जितिय अंतर्जात व्यक्तिगत बुझे मनुष्य निज अधीन जी संबल अच्छे सोचे व्यक्तिगत गोष्ठीगत कौन गोटे गोष्ठी समूह अधीन जहाँ से गोष्ठी संबल जितिय कौन देशर भौगोलिक सीमारेखा मैंने भारत पूरा जो बॉर्डर देख से बॉर्डर भितर जहाँ कि अच्छे जहाँ कि जहाँ जहाँ कि देख भारत ये भारत है तो भारत हो भौगोलिक सीमारेखा ना कि बॉर्डर से भितर जहाँ कि अच्छे आम कौन बोली कह जो संबल भी अच्छे सी अरण्य हौ कि रास्ताघाट हौ है समुद्र तो बाहर कहना आ सब जहाँ पहाड़ पर्वत जंगल फंगल जहाँ अच्छी सब जगह कौन जी आम जितिय संबल जीव है सहित आउ गोटे देख भारत टी सैड जीव एपटे जो एपटे समुद्र अच्छे ना तो कौन कर तुम्हें बार नटिकाल माइल जीव बार नटिकाल माइल जहाँ कहे के बैश दशमिक दुई किलोमीटर बार नटिकाल माइल तक लिखुच बार नटिकाल माइल जार मूल्य के बैश दशमिक दुई किलोमीटर है समुद्र उपकूल से भितर से बैश दशमिक दुई किलोमीटर भितर जहाँ अच्छी ना जो संबल बाहर जहाँ माछ हो जब से किसी दीप बाहर से भितर जब किसी गोटे खंड पदार्थ जहाँ बाहर
से सब मध्ये कोण आम देश भारत रही है गोटे तो रही भौगोलिक सीमारेखा ता छड़ा आज 22.2 किलोमीटर मानते उपकूल से भितर जहाँ किसी खंड बाधा बाहर सबकि आम जितिय संबल जो मैंने भारत जीव देखे आंतर्जात संबल आंतर्जात संबल मान कौन जोड़ा कि पूरा संपूर्ण विश्व मैं पृथ्वी सबुजा देश मिसिक समस्त जो कमन संबल अच्छे सी हूँ आंतर्जात संबल है आंतर्जात संबल मान कौन आम जमी मुझे कहि भारत आम देशर ना तुम 200 नॉटिकल माइल छाड़ दि 200 नॉटिकल है जो 12 नॉटिकल माइल भितर कौन आम देश रही 200 नॉटिकल माइल छाड़ दब जोड़ा जो किलोमीटर कन्वर्ट कर सी तुम 373 है 200 नॉटिकल कि 373 किलोमीटर रे सी कौन सरी एटा 370 किलोमीटर है तो सी मैंने छाड़देला बोध तो दूस नदी क्लीयर देख बोलि बोझ जोड़ा है 370 किलोमीटर 370 किलोमीटर छाड़देला जो बॉर्डर रहा ना जो समुद्र जलराशि रहा है कहुए ईईजेड है कहुए कौन ईईजेड माने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन सेटा कौन अटे ना आम समस्त पूरा आम देश में जहाँ भी किसी देश सरी आम पृथ्वी जहाँ भी देश अच्छी ना सब देश मान से अधिकार अच्छे किए चलाऊँगी कौटा किए नब जहाँ भी उत्तोलन है कि जहाँ बाहर कार अधिकार अवस्था किए कौन मनिटर किए तार हेड किए तो हूँ आम जातिसंघ है विश्व जातिसंघ बा आम जो यूनाइटेड नेशन अच्छी ना हला अंतर्जात वाणिज्य संघ विश्व जातिसंघ से कौन कर पूरा सब जगह कंट्रोल कर हिसाब से जहाँ चाहिए जो देश चाहिए ताको दे पारे मैंने ता हिसाब से भी ना मीटिंग हम मन कर किसी नुआ पंचकर्ता बाहर तेल क्या दिजो से सब किसी डिसाइड करेंगे है तो से भितर एग्जाम क्वेश्चन आस पे मैंने गोटे इंपोर्टां क्वेश्चन आस जो ईजेड अंचल अच्छी ना जो प्रकृत भारत नुह ईजेडा से दूर अच्छी ना 370 किलोमीटर दूर जी नॉटिकल माइल कह 200 नॉटिकल माइल 200 नॉटिकल माइल बा 370 किलोमीटर पर जो समुद्र जल रेस अच्छी सी हूँ ईजेड अंचल से भारत को कौन अधिकार मिली ना मांगानीज से जहाँ मांगानीज पिंड बाहर से सब भारत नहीं पार एम भारत को अधिकार मिले तो प्रश्न आसो ईजेड रु भारत को क्यों खंड उत्तोलन अधिकार मिली उत्तर लिखे मांगानीज पिंड भारत ईजेड रु आनीपर है तो सी हूँ कौन आंतर्जात अनुष्ठान मानने आंतर्जात संबल तो बुझे आंतर्जात संबल कौन जोड़ा कि देशर भौगोलिक सीमारेखा छाड़ दियो ता भितर जो जलराशि थी से भी छाड़ दियो जो 12 किलोमीटर मुझे कही है कि सैटा भी छाड़ दियो मैंने 12 नॉटिकल 22.2 किलोमीटर से भी छाड़ दिव्य जो जलराशि रहा ना से कौन आम टोटाल विश्व पूरा पृथ्वी सब देश कमनली यूज हो तो सी हूँ कौन आम आंतर्जात संबल ठीक अच्छे तो पूरा संबल टाइप्स सब बुझे समस्त क्लीयर एवं आम देखा संबल विकास योजना मैंने देख जहाँ भी संबल व्यवहार करें ना सबुज संबल कौन ना किसी संबल अच्छे जोड़ा कि असरती अक्षय संबल अटे कि बाकी एम संबल अच्छी मैंने प्रकृति में अधिकांश संबल एमती अच्छी जोड़ा कि व्यवहार कले सरीज तेनालीरु सुरक्षा देवाक पड़ो संरक्षण कराया पड़ो ना कि आमको विभिन्न योजना सब बांचा पड़ो जब आम संरक्षण नक गोटे योजना प्रस्तुत नक संबल सरीज जब संबल सरला तो जानते हो समस्ते विभिन्न प्रकार विपद में पड़े जमी पेट्रोल सरला सब तुम गोटे जगह आठ जगह जीव कमी बहुत असुविधा हम ना हम ना निहत हे है तो बहुत किसी एमती जिनस अच्छे मैंने बहुत किसी संबल प्राकृतिक संबल जोटा कि व्यवहार कर तुम्हें जो परिमाण व्यवहार कर लोक ना दिन आस सब सरजीव संबल सब संबल सरला मैंने बचा भी राह मिलेन है तो एबूठ आमको सुधार पड़ो ताप सचेतन होगा पड़ो एवं से किसी योजना प्रस्तुत करा पड़ो तो जो बहर अच्छी ना संबल विकास योजना विषय जहाँ भी किसी अच्छी बेस इंपोर्टां नुह आप चाहिए निजे पढ़ीपारे हार्डली से मानने 1% क्वेश्चन आसपे ना बाकी 99% चान्स अच्छे न आसबार कितने पढ़ी दिव थर भूल करदे कहीं काले जब से भितर क्वेश्चन आसगला तो सी पढ़ है तो बर्तमान आम डिस्कसन करवा आउ गोटे इंपोर्टां टपिक मैं ये चैप्टर रहा संबलता विकास रहा देखा संबल संरक्षण कौन है संबल संरक्षण कौन देखा धारण विकास देखा तापर पूरा चैप्टर क्लोज करदे ठीक अच्छे चलते तेल पाने वर्तमान आम संबल प्रकार भेद सरी जाइए एवं जमी कहली कि संबल विकास योजना यहाँ आपण मैंने पढ़ीपारे एग्जाम क्वेश्चन आसवर चान्स बहुत कम अच्छे तथापि आपण मैंने गोटे थर ओवरलुक कर दिंतु ओके यहाँ मुझे इंपोर्टाट अच्छी भारत महासागर ईजेड अंचल भारत मांगानीज पिंड उत्तोलन करार अधिकार पाई ईजेड मैंने कौटा कहली जोटा कि 200 नॉटिकल माइल परवर्त अंचल आम भारत महासागर अच्छे है जदि किलोमीटर कह 370 किलोमीटर
पर्वतीय अंचल से हूँ ईजेड से भारत को क्यों खनिज उत्तोलन करने अधिकार मिली मांगानीज पिंड यहाँ मन रखा चलो मुझे हाइलाइट कर सेगुड़ी पढ़ा एवं देखा संबल संरक्षण आउ धारण विकास ए दुटा बुझ संबल संरक्षण कौन ना संबल सजतन विनियोग तथा नवीकरण जथेष समय देवा मैंने संबल को सठिक परिमाण में विनियोग करवा व्यवहार करवा ठीक परिमाण में आउ नुआर सृष्टि ताको ठीक समय देवा है नवीकरण मैंने नुआर सृष्टि जथेष समय देवा आम कह संबल संरक्षण है संबल संरक्षण बुझल तापर देख धारणीय विकास कौन ना संबल विनियोग आवश्यकता मानते संबल व्यवहार आवश्यक अच्छे आम जानते केवल आमर नुह आमर आगामी वंशधर मानक आवश्यक अच्छी तेणु आमर हो कि आम वंशधर मानी आम भर गोटे संतुलन रक्षा करा गोटे बैलेंस आकार रखा पड़ो जमीक आम व्यवहार करवास से व्यवहार करेंगे तेणु ए बैलेंस को आम सबुद चेस्टा करमी नर्माल एमती का रू है से संरक्षण मध्य संतुलन रक्षा करने को धारणीय विकास कहुए है तो संबल संरक्षण कौन जस्ट क्या कहुए तो सर संबल संरक्षण मानने कौन जे संबल सजंत विनियोग कर सहित नुआर सृष्टि तुम्हें किसी टाइम देव से हूँ संबल संरक्षण आ धारणीय विकास कौन ना संबल आवश्यक हो कि तर आगामी वंशधर मानक मैंने आमर जो आगामी वंशधर आस पुओ झी आसे से पुणी सन्तान है से पुणी सन्तान है ना कि तो से आगामी वंशधर से संबल को संरक्षण कराया पड़ा ना नहीं रखा पड़ो तेनाली कह कौन धारणीय विकास है बुझल समस्ते नेक्स्ट देख संबल संरक्षण बास्तव तथा मौलिक उद्देश्य हूँ जीवन धारण पर अपरिहार्य परेश सुरक्षा मानते आम संबल संरक्षण कर ना कि संबल को संरक्षण कर उद्देश्य कौन जो संबल को आम संरक्षण कर मौलिक उद्देश्य कौन कौन तीन टा मन रख जीवनधारण पर अपरिहार्य परेश सुरक्षा मैंने आमर जो परेश आम जो परेश जीवनधारण कर सुरक्षा करवा सेकेंड हूँ परिसंस्था को विनियोग करने सत्ते परिसंस्थार अंतर्निहित क्षमता को अक्षुण रखा परिसंस्था को आम विनियोग करवा अर्थ कौन आम परिसंस्था को व्यवहार कर सहित परिसंस्थार अंतर्निहित क्षमता को अक्षुण रखा मानने परिसंस्था को बिल्कुल भी नष्ट को देवाना ही परिसंस्था जाऊनि गठित प्राणी उद्भिद कि आम परेश सब गठित परिसंस्था तार जो अंतर्निहित गुण अच्छी बिल्कुल भी आम क्षुण्ण होगा देवानी तीन नंबर हूँ जैव विविधता को सुरक्षित रखा यहाँ जाक है ये तीन जगह हूँ आमर संबल संरक्षण मुख्य उद्देश्य मौलिक नेक्स्ट है संबल संरक्षण मुख्य तीन उपाय मैंने आम संबल संरक्षण करनि टा मुख्य मुख्य उपाय दरकार है कौ कौ उपाय मध्यम आम संबल को संरक्षण करण कौन देख फर्स्ट हूँ संबल व्यवहार जथोचित ह्रास मैंने आम जो मनुच्छा व्यवहार कर संबल को तार व्यवहार ह्रास आने पड़ो मैंने कम कम व्यवहार करवाक पड़ो सेकेंड हूँ संबल पुनचक्रीकरण कौशल अवलम्बन मैंने संबल को पुनचक्रीकरण पद्धति आम व्यवहार कर मैंने देख सपोज तुम्हें किसी गोटे लुहार जिनस नौ व्यवहार कर भांगीगला आती तुम कम आसपर तुम पुनः व्यवहार करमी कर तुम्हें पुनचक्रीकरण कबाड़ी बाला को देदेव सी नम कारखाना दब कारखाना से पुण थे कम लग पार आगे किसी नुआ जिन तैयारी है थर्ड हूँ संबल पुनः व्यवहार मान गोटे जिन तुम आणुच थर व्यवहार लापर तक फिंगी दबनी जमीक देख पलिथिन तुम दुकान कि आल है कि दुकान कि सामान आल पलिथिन साहर घर रख पलिथिन कौन कर सेकेंड टाइम गले से पलिथिन पुणी जिन आणव कि घर जो आउ किसी कम से पलिथिन आसपार से कम व्यवहार करेंगे फिंगी दबनी है एमती कराया पड़ो जहाद्वारा कौन हम आम जो पलिथिन जो मेटेरियल तैयार हो संरक्षण रेस अधिक प्रदूषित होनी है तेनाली तीन टाइम उपाय देख भारत संबल संरक्षण योजना टोटल पांचटी प्रक्रिया अच्छी ए पांचटी प्रक्रिया भलि पढ़देव सर्ट क्वेश्चन आसोन एर कि लंग क्वेश्चन आसने आसपे तेनाली से पांचटा प्रक्रिया पढ़देव है देख ये देख नेक्स्ट भारत स्वाधीन पाला प्रथम पंचवार्षिक योजना ठारु संबल योजनार लक्ष्य हासिल करने चेष्टा कर संबल योजना मैंने संबल किपर संरक्षण करापी से योजना प्रस्तुत कर लक्ष्य सेबुड़ करवड़ू प्रथम पंचवार्षिक योजना पर भारत स्वाधीन पाला आम सब पंचवार्षिक योजना आसला से पंचवार्षिक योजना बहुत थर आर प्रथम पंचवार्षिक योजना से आमर मैंने भारत लक्ष्य रही हाँ आम संबल संरक्षण किपर करापी योजना प्रस्तुत करूँ से सेपटू चेषा कर प्रकृति और प्राकृतिक संबल संरक्षण पर एक आंतर्जातिक संस्था जोड़ा कहे IUCN है प्रकृति प्राकृतिक संबल संरक्षण किपर प्राकृतिक संबल संरक्षण IUCN गठित होती है आंतर्जातिक संस्था यहाँ गोटे यहाँ मन रख प्रकृति और प्राकृतिक संबल संरक्षण पर आंतर्जातिक स्तर में क्यों संस्था गठित होती सर्ट क्वेश्चन एमती आस IUCN लिख आंतर्जातिक संस्था एमती लिखिपर है जातिसंघ एक सदस्य भाव में
ଭାରତ ଏହାର ନୀତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି। ଜାତିସଂଘ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି ଯେ କେମିତି ଦେଶମାନେ ସବୁ ମିଳିମିଶି ସମସ୍ତେ କାମ କରିବ, ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ କିପରି କରିବ, ଏସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦିଆହେଉଛି। ତ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ମାନିଛି ସେଥିରେ, କହିବ ହଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ, ଭାରତ କହୁଛି ଜାତିସଂଘକୁ ହଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ, ସବୁକିଛି ନୀତି ଯାହା ବି କିଛି ନିୟମ ସବୁକିଛି ଭାରତ ମାନୁଛି। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସଂସ୍ଥା 5 କୋଟି ଜାତିର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି। ହେଲାକି ଆମର ଯେଉଁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦିନକୁ ଦିନ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଲୋପ ପାଇ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଯୋଜନା ହେଇଛି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଜନା। ସେ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ 5ଟି ଜାତିର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆହେଉଛି। କ'ଣ କ'ଣ 5ଟି ଜାତି? ଗୋଟେ ବିଲୁପ୍ତ ବା ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ଜାତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଜାତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଜାତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଲଭ ଜାତି, ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ ଜଣାଥିବା ବା ଅଜଣା ଜାତି। ହେଲେ ଏ ପ୍ରକାର 5ଟି ଜାତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କିପରି ପୁରା ନ କମିବ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆହେଉଛି। ଆଉ ତା'ର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ହେଇଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଜନା। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟା ସରିଲେ ଆମର ସରିଲା ପରେ ଚାପ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସି ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ତାପରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରାଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଜଳବାୟୁ ବା ଯେଉଁ କ'ଣ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ହେଇଯାଉଛି ନା, ବିଶ୍ୱ ତାପମାନ ବଢ଼ୁଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କମାଯାଇପାରିବ, ଆମ ଜଳବାୟୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ 1922 ରିଓ ଡି ଜାନେରୋ ବିଶ୍ୱ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ସଂରକ୍ଷଣ ନିମିତ୍ତ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଭାରତ 1992 ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ କେଉଁ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା? ତ କ'ଣ ଲେଖିବ? ରିଓ ଡି ଜାନେରୋ ବିଶ୍ୱ ବୈଠକ, ସେଠି ସେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା 1992। ହେଲା, ତ ତାପରେ ଆସି ଦେଖ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ନିଆଯାଉଛି। ତ ବାସ୍ ଆମର ଚାପ୍ଟର ସରିଯାଇଛି, ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ନ ହେବ ତାହେଲେ ଆମର ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ, ଆମ ଜୀବନ ଧାରଣ ଯେଉଁ ଆମ ଜୀବନଯାପନ ଶୈଳୀ ଅଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବଦଳିଯିବ। ହେଲା, ତେଣୁ ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ କ'ଣ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସବୁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ବନାଉଛନ୍ତି। ତ ଚାଲ, ଭିଡ଼ିଓ ସରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ସମସ୍ତେ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରକୃତି, ପ୍ରାଦ୍ୟୋଗ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ସମ୍ବଳ ରୂପାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଉପାଦାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି? ମୁଁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ 4ଟା ଜିନିଷ ଦରକାର, ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି, ପ୍ରାଦ୍ୟୋଗ, ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ? ମନୁଷ୍ୟ। ହେଲା, ମାନେ ପ୍ରକୃତି ପରେ ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ରଖିଥିଲି ମୁଁ, ପ୍ରକୃତି ପରେ ମନୁଷ୍ୟ, ମନୁଷ୍ୟ ପରେ ପ୍ରାଦ୍ୟୋଗ, ତାପରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏ 4ଟି ଯାକ ସମ୍ବଳ ରୂପାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉପାଦାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ହେଲା, 4ଟା ମନ ରଖ, ପ୍ରକୃତି, ତାପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଆସିଲା, ତାପରେ ପ୍ରାଦ୍ୟୋଗ, ତାପରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି 12 ନଟିକାଲ୍ ମାଇଲ୍ କେତେ କିଲୋମିଟର? କହିଥିଲି 12 ନଟିକାଲ୍ ମାନେ କେତେ? 22.2 କିଲୋମିଟର, ଯେଉଁଟା ଆମେ କେତେବେଳେ ପଢ଼ିଥିଲେ କହିଲେ ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ହେଲା ନା, 22.2 କିଲୋମିଟର। 3 ନମ୍ବର, ଭାରତ ମହାସାଗର ଇଇଜେଡ୍ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭାରତ କେଉଁ ଖଣିଜ ପିଣ୍ଡ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇଛି? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କହିଛି ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ପିଣ୍ଡ। ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣତମ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି? ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ, ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟ। ହେଲା, ଦକ୍ଷିଣତମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟ, ଏଇଟା ସବୁ ଜାଣିଛ। ଏଇଟା କ'ଣ? ତ ଦେଖ, ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ଅଲଗା ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ଚାପ୍ଟର ସେ ଭିତରେ ଅଛି, ଏଇଟା ବି ସେଇଟାର, ଏଇଟା ବି ସେଇଟାର, ଏଇଟା ବି ସେଇଟାର ଏକା, ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ଚାପ୍ଟରର। ତାପରେ ଦେଖ, ସୌରଶକ୍ତି କେଉଁ ସମ୍ବଳର ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ସୌରଶକ୍ତି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସେ ସରିବନି କେବେ, ହେଲା, ସୌରଶକ୍ତି ଅସରନ୍ତି, ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ? ଅସରନ୍ତି ବା ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ବଳ, ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ କି? ଦେଖ, ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ପୁଣିଥରେ ତିଆରି କରିପାରିବା, ସୌରଶକ୍ତି ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ? ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଏ ଦୁଇଟା ଯିବ କି? ସିଏ କାରଣ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ଲେଖା? ଦେଖ, ସେ ସରିଯିବ ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବାନି, ସେ ଯେ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସୌରଶକ୍ତି କ'ଣ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତା କେତେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ବି ସରିବନି, ତାକୁ ଆମେ ତିଆରି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା କି କରିବା କି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଡିପେଣ୍ଡ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୌରଶକ୍ତି କେଉଁଥିରେ ଯିବ? ଅସରନ୍ତି ସମ୍ବଳରେ ଯିବ। ହେଲା, କ୍ଲିଅର୍ ବୁଝିବ, ସୌରଶକ୍ତି ଯିବ ଆମର ଅସରନ୍ତିରେ। କାହିଁକିନା ତୁମେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଥିବ କି ସାର୍ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟରେ କ'ଣ ପାଇଁ ହେବନି? ଦେଖ, ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ମାନେ ସେ ସମ୍ବଳ ତ ସରିବନି, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମେ ପୁଣିଥରେ ତାକୁ ପୁରା ସାରିପାରିବାନି। କାହିଁକି କହିଲ? କାହିଁକିନା ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପୁଣିଥରେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା, ଯେମିତିକି ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର। ହେଲା କି, କୃଷିରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଚାଷ କରିକି ନୂଆ ନୂଆ ଗଛ ସବୁ ଲଗାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ସେଠୁ ପୁଣିଥରେ ଆମେ ଫଳ ଫୁଲ ଯାହା ବି ଦରକାର ସବୁ ତିଆରି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯିବ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟରେ, ଆମେ ତାକୁ ତିଆରି କରିପାରିବା। ହେଲା, ମାନେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେ କ'ଣ ହେବ? ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସରିବନି, କାହିଁକିନା ଆମେ ତାକୁ ପୁଣି ତିଆରି କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସୌରଶକ୍ତି କ'ଣ ଆମେ ତିଆରି କରିବା କି? ନାହିଁ, ସେ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଅସରନ୍ତି ଅଟେ, ଆଉ ତେଣୁ ସେ କ'ଣ ଯିବ? ଅସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ସମ୍ବଳ ପ୍ରାଦ୍ୟୋଗିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କ'ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ମୁଁ, 3 ଜିନିଷ କହିଥିଲି ପିଲାମାନେ, ପ୍ରାଦ୍ୟୋଗିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେ ସମ୍ଭବ ହେବ, ଆର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କ'ଣ ହେବ, ଆର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କ'ଣ ହେବ, ସରି ମୁଁ ଭୁଲ କହିଲି, ପ୍ରାଦ୍ୟୋଗିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କ'ଣ ହେବ? ସେ ସୁଗମ୍ୟ ହେବ, ଆର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମ୍ଭବ, ଆଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ।
है तीन टा मन रख। संबल संज्ञा रेखा मुझे कही कि संबल प्रादेहिक दृष्टिकोण कौन हम सुगम्य हम अर्थनैतिक दृष्टिकोण संभव हम सांस्कृतिक दृष्टिकोण ग्रहणजोग्य हम मन रख समस्ते। प्राकृतिक परिसर में क्यों पदार्थ को संबल रूप विजित कर नए किए संबल नुहे जी कि अव्यवहृत अज्ञात अवस्था अच्छी सी संबल नुह है कौन देख एटा मोर नेक्स्ट चैप्टर अच्छी यहाँ भी नेक्स्ट चैप्टर यहाँ भी नेक्स्ट चैप्टर अच्छी तापर क्यों सॉरी जो नवीकरण अजोग्य संबल गुड़िक पुनरुद्धार करगुड़ कौन अटे नवीकरण अजोग्य कि पुनरुद्धार करना से कौन हो पुनरुद्धार अजोग्य संबल होता पुनरुद्धार करना से कौन हो नवीकरण सॉरी पुनरुद्धार अजोग्य संबल होमती कोईला कोईला व्यवहार कालापर पुणी पुनरुद्धार करें कि ना तेनाली कोईला गोटे पुनरुद्धार अजोग्य संबल। IUCN बनियोद संरक्षण योजना माध्यम से कतोटो जातिर संख्या प्रति दृष्टि दी आसी कही थी पांचट जाति आम येलो पर हाइलाइट कर पढ़ी है पांचटी आउ कौन अच्छी एटा नेक्स्टर एटा नेक्स्ट चैप्टर एटा भी नेक्स्ट एटा नेक्स्ट चैप्टर एटा नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर देख जहाँ पढ़ी थी मुझे सब से भितर क्वेश्चन आसी है आ कि नापर आउ कौन अच्छे आमर हाँ यहाँ मुझे कही जी गोटे जेनेर बैठक के अनुषित होता एटा मुझे लास्ट डिस्कसन करी 1992 मसीह एटा भी लास्ट पढ़ी थी ना मन पक समस्ते पूरा संबल चैप्टर लास्ट पढ़ी थी मुझे 1992 मसीह जो बैठक होता है कौटी थी कौ बैठक तो रियो डी जेनेर बैठक कि मसीह आड़े दीजिए मन रखा है कौन अच्छे आमर नेक्स्ट नेक्स्ट आईटा गोटे राजनीतिक अनुष्ठान क्यों संबल अंतर्गत यहाँ जीव सांस्कृतिक संबल देख प्रकृति अनुसार संबल तीन प्रकार थी गोटे प्राकृतिक सांस्कृतिक मानव से सांस्कृतिक संबल जी राजनीतिक अनुष्ठान राजनीतिक अनुष्ठान हो शिक्षा हो स्वास्थ्य गमनागमन है ये सब किसी जी आम राजनीतिक अनुष्ठान वाणिज्य मध्य जीव सांस्कृतिक संबल जीव तापर आउ कौन अच्छे आमर पेट्रोलियम क्यों संबल उदाहरण पेट्रोलियम कौन जीव कह पेट्रोलियम नवीकरण योग्य कि नहीं नवीकरण अजोग्य संबल होगा पेट्रोलियमटा नवीकरण अजोग्य संबल कहीं से सरीज व्यवहार कले सर्ज पुणी थे सृष्टि हो पारन तेना नवीकरण अजोग्य कौन अच्छे नेक्स्ट हाँ संबल विनियोगर आवश्यक तथा आगामी वंशधरपाई से गुड़िक संरक्षण मध्य संतुलन रक्षा करने कौन कह जाए कह धारणीय विकास है धारणीय विकास संबल संरक्षण कौन एटा कही सारी एटा कमेंट कर समस्त देखा कार मन अच्छे संबल संरक्षण कौन कमेंट कर। नेक्स्ट प्रकृति जो पदार्थ और शक्ति द्वारा मनुष्य प्रत्यक्ष परोक्ष भाव में उपकृत होता है ताको क्यों संबल कह देख जो पदार्थ शक्ति द्वारा मनुष्य प्रत्यक्ष भाव हो कि परोक्ष भाव में उपकृत हो कौन प्राकृतिक संबल फास्ट फास्ट पढ़ी थी मुझे प्रकृति अनुसार संबल तीन प्रकार प्राकृतिक सांस्कृतिक मानव से प्राकृतिक संबल कौन जो प्रकृति थे पदार्थ किंवा शक्ति जी हूँ ना कहीं मनुष्य प्रत्यक्ष भाव हो कि परोक्ष भाव हो किसी व्यवहार में लग पाऊँ से संबल गुड़िक प्राकृतिक संबल आउ कौन अच्छे बास सरला आमर है तो ये आमर जो चैप्टर वन क्वेश्चन आंसर चैप्टर वन कौन थी संबल तार विकास से सरी बाकी दुटा चैप्टर अच्छी निजे पढ़ाई चेस्टा करूँ हिस्ट्री में आपर ना टोटाल छः जगह चैप्टर पड़ो है प्रथम थोड़ा छः जगह चैप्टर पड़ो से मुझे गोटे पढ़ी दीची बाकी पाँचटा पढ़ाई ट्राए करूँ है तो चलो क्लास को समाप्त करवा जब पसंद लगे लाइक कर कमेंट कर सेयर कर थैंक यू।